तो यूपीएससी के प्रिपरेशन में वॉल चार्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे आपका काफी ज्यादा टाइम, एनर्जी और मेहनत काफी ज्यादा बच जाती है और ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो जब आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस किसी की भी तैयारी करते हो तो आपने ये तो देखा होगा कि स्टूडेंट जो होते हैं इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप को तैयार करते हैं, या उसको वॉल चार्ट भी कह सकते हो, यानी वॉल पर जो लगाने वाला चार्ट होता है। लेकिन इस वीडियो में आपको काफी शानदार 6 वॉल चार्ट बताने वाला हूं जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा और जो उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होगा काफी शानदार होगा, और रीजन भी बताऊंगा आपको उसको क्यों परचेस करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद ऑफिसर्स, माय नेम इज बिजन सिंह, वेलकम टू केजी मिशन। वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। आप तो इस वीडियो आपके 6 वॉल चार्ट का कॉम्बो है। पहला आपका हिस्ट्री का है, दूसरा आपका ज्योग्राफी का है, तीसरा आपका पॉलिटी का है, पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चौथा है आपका पॉलिटी का ही अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पांचवा है आपका इकोनॉमी का, और 6th है आपका जो आपका एनवायरमेंट का यानी पर्यावरण का। ये वॉल चार्ट आपके जिस तरीके से इंग्लिश में है उसी तरीके से हिंदी में भी है। परचेस करने के हिंदी और इंग्लिश का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से वेबसाइट से आराम से इसको परचेस कर सकते हैं। तो सारे के सारे वॉल चार्ट को इस तरीके से अनफोल्ड कर लिया है, तो आप देख सकते हैं ऊपर हिस्ट्री का है एंड ये आपका नीचे इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है एंड फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का है, फिर आपका एनवायरनमेंट का है, और उससे नीचे आपका इकोनॉमी का है। तो वन बाय वन सबका रिव्यू करते हैं। तो यह फर्स्ट आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न तीनों कवर किया गया है। अब आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये है जैसे एंशिएंट इंडिया है, यहाँ से एंशिएंट इंडिया, मौर्य डायनेस्टी एंड ये आपका गुप्ता डायनेस्टी, तो ये आपका एंशिएंट इंडिया कंटेंट, तो आप इसको आराम से देख सकते हो प्रिंटिंग क्वालिटी, और ये पूरा लेमिनेटेड है, आपको लाइट की शाइनिंग भी आपको इसके पर दिखाई दे रही होगी। ये आपका मौर्य डायनेस्टी या गुप्ता डायनेस्टी, किंगडम ऑफ साउथ इंडिया, ये आपका मेडिवल अर्ली मेडिवल इंडिया, फिर यहाँ से मेडिवल इंडिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में ये सल्तनत ऑफ दिल्ली एंड यहाँ से आते आते यानी कुल मिला के ये आपका एंशिएंट इंडिया यहाँ से यहाँ तक, फिर आपका मेडिवल इंडिया स्टार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर आपका मॉडर्न इंडिया। तो आप जानते हो यूपीएससी में मॉडर्न इंडिया का ही काफ़ी ज़्यादा तवज्जो होता है, तो मॉडर्न इंडिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये पूरे मॉडर्न इंडिया के यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आपके इंडिपेंडेंट इंडिया यानी इसको पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया बोलते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद का यहाँ पर कुछ है, और कुछ ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट जैसे जलियांवाला बाग। तो आप देख सकते हो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी शानदार है, जैसे ये है उसी तरीके से सारे हैं। आपको उधर दिखाता हूँ, ये तो हिस्ट्री का हो गया आपका, दूसरा दिखाता हूँ आपको ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी आपका इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों कवर किए गए हैं, एंड यहाँ से देखेंगे आप जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यहाँ से जितने भी ये फैक्चुअल डेटा होते हैं ना, ये आपके यूपीएस जितना ये फैक्चुअल डेटा होता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए, पीसीएस और एसएससी वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, कौन कौन सी लेक है, किस स्टेट में है, लेक स्टेट वगैरह यहाँ पे दे रखा है, पासेस कनेक्शन इंडिया, मेजर रेनफॉल, इंडियन एग्रीकल्चर, ये मतलब जो फैक्चुअल डेटा होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा काम का होता है। यहाँ पे दे रखा है टाइप ऑफ वॉल्केनोज, इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, मेजर वम लोकल विंड्स यहाँ पे दे रखा है, और इसमें कुछ डायग्राम्स हैं ना, तो डायग्राम्स की क्वालिटी भी काफ़ी शानदार है आप देख सकते हो, और यहाँ पे दे रखा है आपका मेजर सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड, लोकेशन ऑफ बैंक ऑफ रिवर है ना, तो जो ये सिटी है रिवर है फिर ये सिटी है, मेजर रेवोल्यूशन ऑफ देयर सेक्टर्स, मेजर टाइप्स वॉल्केनोज, मेजर आइलैंड, मेजर कैनल्स है ना, और यहाँ पे डायग्राम दे रखा है इंटीरियर ऑफ अर्थ, जो डायग्राम्स आप बनाते हो काफ़ी सिंपल तरीके से यहाँ पे दे रखा है। इसका एक डिटेल में रिव्यू आने वाला है, हिस्ट्री का तो ऑलरेडी हो चुका है, आप चैनल पर उसको देख सकते हो, डिटेल में आएगा, कमेंट करके बताना अगर आपको इसके जल्दी में चाहिए तो। ये नेक्स्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कितने मतलब पार्ट होते हैं, कितने शेड्यूल होते हैं पूरा यहाँ पर दे रखा है, जैसे पार्ट वन में आर्ट यानी आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, ये फिर आर्टिकल सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, ये तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ये सारी चीज़ तो आप डेली पढ़ते हो और आप लिखते भी हो, तो यहाँ पे आप जैसे उनको पढ़ेंगे तो लिखेंगे उतनी पड़ेगी, जैसे आपको पता पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, तो 12 से लेकर 35 तक ये आपका सारे के सारे आर्टिकल आ गए यहाँ पे दे रखा है, राइट अगेंस्ट टू एक्सप्लोइटेशन एंड राइट टू फ्रीडम, तो पूरा का पूरा यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में पार्ट 5 द यूनियन एंड द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट,
उनके बारे में जितने आर्टिकल्स वगैरह हैं, तो उसमें पूरा आर्टिकल दे रखे हैं जितने भी 395 हैं और जितने भी शेड्यूल हैं, शेड्यूल यहाँ पे दे रखा है। इसका भी डिटेल में रिव्यू कर रखा है, आप चैनल पर उसको देख सकते हो, सर्च करना यूट्यूब पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉल चार्ट AGM। तो ये वाला जो वॉल चार्ट काफ़ी सही रहेगा आपके लिए, इसमें जितने भी पार्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कितने पार्ट हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने आर्टिकल हैं, वो सारे के सारे इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखे हैं। ये भी लैमिनेटेड, आप देख सकते हो उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया लेकिन उसमें बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स यानी बदलाव जो होते रहते हैं, संशोधन, वही है, कितने सारे हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर बता रखा है। फर्स्ट कब हुआ था, है ना, 1951 में हुआ है। क्यों हुआ है, उसके रीजन फैक्ट जो जानकारी आपको होनी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 इस तरीके से, 13, 15 एंड ये आपका 18, 19, 20 इस तरीके से, जैसे आपको डिटेल में दिखाऊं, कोई भी देख लीजिए, जैसे 43 अमेंडमेंट एक्ट, तो आप इसको देखेंगे, इसका भी डिटेल में रिव्यू हमने कर रखा है चैनल पे, आप उसको भी जाके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जो अमेंडमेंट दे रखा है 2020 जनवरी में, 104th अमेंडमेंट, फिर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949, और साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर हैं जो आपको मेंस में काम देंगे वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे सारे के सारे, मतलब जो जानकारी है काफ़ी अच्छे से इसमें दे रखा है। जो आपको लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है सारी चीज़ में, इसका डिटेल रिव्यू भी चैनल पर कर रखा है, आप उसको सर्च कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वॉल चार्ट, लास्ट में डाल देना KGM, मिल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट जो वॉल चार्ट है वो आपका इंडियन इकोनॉमी का है, आप इसको देखिए। ये देखने पर आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब है, ये वॉल चार्ट की क्वालिटी ख़राब नहीं है, वॉल चार्ट तो सेम वैसा ही है जैसे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का दिखाया। ये वीडियो की क्वालिटी ख़राब है क्योंकि जो मेन वीडियो, मेन रिकॉर्डिंग थी वो थोड़ी सी डिलीट हो गई गलती से, तो इसको दोबारा से रिकॉर्ड किया, हालांकि उस प्रॉपर वे में रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इसका प्रॉपर वे में एक रिव्यू आने वाला है, जल्दी आएगा, और लेकिन आपको बता दें ये वॉल चार्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसमें जो स्टैटिक पोर्शन है, जो स्टैटिक पोर्शन होता है आपका इकोनॉमिक्स का, बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है, टर्म्स को काफ़ी अच्छे से बता रखा है, करंट अफेयर के साथ में कुछ स्टैंडर्ड बुक को आप साथ में पढ़ के इसके साथ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और रिविजन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरमेंट का वॉल चार्ट, कि एनवायरमेंट है उसका पहले इंट्रोडक्शन बता देता है, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, है ना, फिर कॉम्पोनेंट ऑफ इकोलॉजी, मेजर इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अबाउट एनवायरनमेंट, जैसे ये सारे UPSC प्रीलिम्स में भी काम करते हैं, स्टेट PCS में भी काम आता है। मेजर इंस्टीट्यूट प्लेइंग वाइटल रोल इन एनवायरनमेंट, मेजर वर्ड्स 18 इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व्स, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर यहाँ पे दे रखा है। तो बात करते हैं इस वॉल चार्ट को आपको क्यों परचेस करना चाहिए, तो मैं आपको 5 रीजन बताता हूँ उसको परचेस करने का। पहला, जो उसका कॉन्टेंट है काफ़ी टू द पॉइंट है, काफ़ी जो जानकारी है काफ़ी अच्छे से दे रखी है। पहला तो ये, जैसे हिस्ट्री का है उसमें टाइमलाइन अच्छे से दे रखी है, पॉलिटिक का है उसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूशन हो या कुछ भी हो वो सारी जानकारी अच्छे से दे रखी है। दूसरा जो फैक्चुअल डेटा है, जो आपका UPSC में फैक्चुअल डेटा कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जाता है, स्टेट PCS में आपका फैक्चुअल डेटा काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, SSC वगैरह में आप इस वॉल चार्ट का यूज़ कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तीसरी जो चीज़ है वो है कि आप इसको खुद से भी बनाना चाहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी जाएगी और इतना अच्छा बनेगा भी नहीं। जो मुझे इसकी फोर्थ क्वालिटी अच्छी लगी वो ये है कि आपका काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ है, वॉल पे पेस्ट किया आप आराम से देख लो। कुछ जानकारी ऐसी होती है फैक्चुअल डेटा या कुछ ऐसी जानकारी जिनको आपको डेली लगभग रिवाइज करना होता है, एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में, अदरवाइज आप उनको भूल जाते हो। दीवार पर उनको पेस्ट किया, जैसे इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, उसी जगह पर इसको पेस्ट कर लो और आपका पूरा रूम एक तरीके से ऐसे हो जाएगा कि आप जहां भी नजर डालोगे वॉल चार्ट दिखाई देगा, कुछ जानकारी आपके दिमाग में जाएगी जाएगी जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, यानी पूरा एनवायरनमेंट है वो काफी सही हो जाएगा। पांचवी जो क्वालिटी अच्छी लगी वो ये है कि जो वॉल चार्ट है वो लैमिनेटेड है और जो उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है और जो वर्ड की क्वालिटी है, जो मतलब साइज़ है ना, छोटा ना बड़ा, और साइज़ भी इसका काफ़ी अच्छे से, यानी लैमिनेटेड है और प्रिंटिंग क्वालिटी और जो उसकी पेज की क्वालिटी है काफ़ी शानदार है। तो कुल मिलाकर आपको ये कहना चाहेंगे कि इसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है काफ़ी अच्छा है, करीब 450 के थे ये 6 वॉल चार्ट। परचेस करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप वहाँ से आराम से उनको परचेस कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट को आप क्लिक करके आप हमारे चैनल के और सारे रिव्यूज़ को देख सकते हो, राइट वाले प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप हमारे चैनल के स्ट्रेटजी गाइडेंस वाले वीडियोज़ को देख सकते हो। आप हमसे अगर पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है हमारे सेकंड चैनल का, नाम है उसका बिजनेस सम्राट। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।